कौन बोल रहा है? आमिर बोल रहा है। आमिर आमिर बोल रहा है। बस ये बता रहा था तेरा करियर खत्म हो गया। ओके ये देखो भाई, यहाँ पे आमिर के एकदम बाल वगैरह पकड़े हुए हैं। ये देखो भाई, इसको इस पे अटैक किया जा रहा है, यहाँ के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा भाई। ये FIR है, अगर आपको दिख रही होगी तो। वो येलो जैकेट वाला बंदा, ये है भाई वो बंदा जिसने दारू पी रखी थी, और ये खड़ी हूँ मैं, ठीक है, ये हूँ मैं। यहाँ पे ये मेरे को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, ये देख सकते हो, ये मैं खड़ी हूँ, ये मेरे को गंदी गंदी यहाँ पे गालियाँ दे रहा था। हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसिटीन व्लॉग। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और तुम्हारा भाई भी एकदम मस्त है। तो गाइज, आज का कुछ व्लॉग वगैरह नहीं होगा, तो एक शॉर्ट सी वीडियो होने वाली है। तो गाइज, काफ़ी मैंने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखी है, लेकिन यार पूरा गन डाल के रखा हुआ है। किसी ने लिखा हुआ आमिर माधुरी इज नो मोर, तो किसी ने कुछ लिखा हुआ, तो ऐसे ही भाई व्यूज़ के लिए कुछ करिए भाई, ऐसे बंदे का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो भाई वो आमिर भाई वो बंदे हैं भाई, जम्मू कश्मीर में पता नहीं था बंदा के ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है। तो भाई मैं भी उनको काफ़ी देर से देख रहा हूँ, उनके ब्लॉग वगैरह, तो जब उनके 45,000 सब्सक्राइबर थे तब से देख रहा हूँ। तो गाइस, काफ़ी बंदे ने मेहनत की है, इतना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा था, तो काफ़ी बंदे ने मेहनत की है। तो गाइस, आज उनके ऊपर काफ़ी ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं जो गाइस मैंने देखी हैं। गाइस नो मोर, तो ये वो एक वो एक्स बॉय करके नाम के लगता है, एक ब्राह्मण एक्स बॉय, तो भाई उसने इतनी गंदी गंदी गालियाँ बीच में ये वो किया है भाई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। व्यूज़ वगैरह तो ऐसे मिल जाते हैं। तो गाइज, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज बना रहा हूँ भाई। मैंने देखा यूट्यूब पे काफ़ी भाई गन डाल के रखा हुआ लोगों ने, तो काफ़ी ने अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाई है, JP व्लॉग हो गए वगैरह वगैरह, तो भाई काफ़ी अच्छी वीडियो भी बनाई है। लेकिन भाई सपोर्ट करनी चाहिए, हमारी जम्मू का बंदा है, तो हमारे जम्मू वाले उनसे जलेंगे तो भाई बाकी वालों का क्या होगा। तो भाई आप छोड़ो बाकी, तो भाई आयरा की क्लिप देख लो, आयरा माजी ने जो उसने क्या बोला है, तो भाई पूरा वही है, तो देखो भाई क्लिप जाके देखो। सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए कि प्रॉपर मैं हुआ क्या था, क्योंकि बहुत सारे बंदे जो है ना वो फेक चीज़ें दिखा रहे हैं, और एक साइड की CCTV फुटेज दिखा के वो बोल रहे हैं कि भाई इस बंदे ने उन पे अटैक किया, जो सही चीज़ है भाई वो कोई दिखा नहीं रहा, और पूरी CCTV फुटेज आपको कोई दिखा नहीं रहा। जो केस के बीच में सबूत है वो बंदे अपने चैनल पे डाल रहे हैं, मीडिया वाले अपने चैनल पे डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये है वो है, वो भी एक साइड की CCTV फुटेज दिखा के, ना उन्होंने बाहर का दिखाया कि बाहर क्या हुआ, और ना उन्होंने उसके बाद का दिखाया कि कैफे के अंदर उसके बाद क्या हुआ। उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी क्लिप CCTV की दिखाई जिसमें आमिर जो है उसको मार रहा है बस, और उन्होंने बाहर का कुछ भी नहीं दिखाया। भाई अब सबसे पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि भाई हुआ क्या था, प्रॉपर क्या हुआ था। हम सब भाई लोग शूट के लिए निकल रहे थे, अब रेडी हो गया था, सब सामान वगैरह पैक हो गया था, हम निकल रहे थे शूट के लिए। डायरेक्टर और आमिर जो है वो गए अंदर कैफे के अंदर, हमारे पास दो गाड़ियां थी, हैरियर जिसमें मैं बैठी हुई थी और एक दूसरी गाड़ी थी जिसमें जो और टीम बैठी हुई थी, ठीक है। हैरियर में मैं अकेली बैठी थी, आमिर और डायरेक्टर वो अंदर गए। 10-15 मिनट के बाद क्या हुआ, मैं पहले भी उन लड़कों को नोटिस कर रही थी कि वो कभी इधर कभी उधर, जैसे किसी ने नजर रखी होती ना इस तरीके का, मैं पहले भी उनको नोटिस कर रही थी, लेकिन मुझे लगा छोड़ो ऐसे ही होंगे। मैं जैसे गाड़ी में बैठी थी तो येलो जैकेट में था वो बंदा, ठीक है, उस बंदे ने ऐसे करके गाड़ी में देखा, उसने ऐसे देखा ना, मेरे को पता चल गया भाई बंदे ने बहुत ज्यादा दारू वारू पी हुई है, कहता रुक जा बताते हैं तुम्हें बताते हैं, उसने इस टाइप का बोला, और वो जाने लगा कैफे के अंदर। मेरे को लगा इस बंदे के पास वेपन वगैरह होगा, अंदर जाके क्या पता आमिर पे अटैक वगैरह नहीं करे। मैं फटाफट गाड़ी से उतरी, और जब मैं गाड़ी के बाहर उतरी टाइम पे वो मेरे को पकड़ के मार देते क्या करते, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकली और फटाफट कैफे के अंदर भागी। मैं जब मैं अंदर भागी, आमिर काउंटर पे पेमेंट कर रहा था और डायरेक्टर उस साइड चेयर पे बैठा हुआ था। जैसे ही आमिर ने पीछे देखा तो मैं आमिर के पास आई, और वो बंदा आमिर को भाई गंदी गंदी गालियां देने लगा, ठीक है। सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई उसने पूछा कि आप आमिर माजी, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये भाई मैं उसके साथ थी यार, भाई सिंपल सी बात है, कोई बंदा अगर किसी को पूछेगा कि भाई आप ये आप आमिर माजिद हो या आयरा माजिद हो, भाई हम पागल तो है नहीं यार, उस पर हाथ उठाएंगे, ठीक है। इतनी देर में क्या हुआ, जैसे ही वो गाली वगैरह देने लगा, आमिर ने भाई कुछ नहीं किया, आमिर ने उसको बोला भाई साइड हो जा। इतनी देर में वो बंदा मेरे को गाली देने लगा, मेरे को गाली देने लगा, और मेरे को जैसे वो बंदा गाली देने लगा, मेरे पास CCTV फुटेज भी पड़ी हुई है, वो बंदा ऐसे मेरी तरफ आने लगा अटैक करने के लिए। इतनी देर में आमिर ने उसको यहाँ से पकड़ के पुश किया पीछे। अगर आपकी कोई वाइफ को या आपकी माँ को या आपकी बहन को कोई तंग कर रहा होगा, उसके ऊपर अटैक कर रहा होगा, गंदी गंदी गाली दे रहा होगा, अगर आप लोग कुछ नहीं करोगे, अगर आपकी माँ बहन को कोई अटैक करेगा या गाली देगा। इतनी देर में क्या हुआ, जैसे ही उसने धक्का दिया उसको यहाँ से जो है
थोड़ी हाथापाई स्टार्ट होगी। जैसे ही हाथापाई स्टार्ट होगी इतनी देर में ही बाहर से 10-15 लड़के अंदर आए। इस टाइम में जो डायरेक्टर था उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो मेरे को फटाफट गाड़ी में बिठाया। उसने बोला तू लड़की है, तेरे को बहुत ज्यादा खतरा है, तेरे को कुछ कर देंगे। ऑब्वियसली भाई मेरे को वहां जान का खतरा था, मेरे को वो आराम से मार देते। उन्होंने मुझे पकड़ा, हम यहाँ सिद्रा चौकी में गए। हमने फटाफट वहां पे बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया। हमने पूरी वहां पे FIR वगैरह दे दी है। सेक्शन 307 का केस जो है लग चुका है। मैं आपको FIR की फोटो एक बार दिखा देती हूँ। और जितने भी भाई एक साइड की फुटेज दिखा के भाई हम लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं ना, उन सबके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। भाई ये FIR है, अगर आपको दिख रही होगी तो ये हमने FIR उन पर लगा दी है, ठीक है। तो अगर सारे बंदे बोल रहे हैं कि हमने अटैक किया, भाई अगर हमने अटैक किया होता ना वो बंदे आते पुलिस स्टेशन हमारे खिलाफ FIR देते कि इन्होंने भाई हम पे अटैक किया। सिंपल सी बात है यार, अगर हमारी गलती होती हम यहाँ रहते नहीं। आज 3 दिन हो चुके हैं भाई, ना पुलिस उनको पकड़ रही है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही भाई, उस बंदे की कंडीशन इतनी खराब है, वो बेड से उठ तक नहीं पा रहा भाई। पेरेंट्स की हालत खराब है भाई, हम सारे 3 दिन से सोए नहीं अच्छे से। कौन बोल रहा है? आमिर बोल रहा है। आमिर आमिर बोल रहा है। बस ये बता रहा था तेरा करियर खत्म हो गया। ओके कैसे करेगा, करियर खत्म हो गया खत्म। भाई ये सारी चीजें तब भी स्टार्ट हो गई थी ना जब इस बंदे ने ग्रो करना स्टार्ट किया था, तब भी से इसके दुश्मन बनना स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि वो किसी की ऊंचाई देख नहीं सकते भाई, जब कोई बंदा ग्रो करता है ना वो जलते हैं भाई, देख नहीं सकते, उसको नीचे खींचते हैं। तो भाई ये आमिर पे पहले भी भाई 4 बार अटैक हो चुका है, लेकिन हमेशा हमने हमेशा छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं यार, 15 बंदे ऑलरेडी बाहर थे। जैसे वो मौका ढूंढ रहे कि जैसे इसका कुछ होगा तो हम इस पे अटैक करेंगे। वो सीसीटीवी फुटेज भाई आप लोगों को दिखाई नहीं जा रही है, मैंने तो आप लोगों को अपनी तरफ से बता दिया, बट सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगी आप सबको अच्छे से क्लियर करने के लिए। ये देखो भाई यहाँ पे आमिर के एकदम बाल वगैरह पकड़े हुए हैं। ये देखो भाई इसको इस पे अटैक किया जा रहा है। यहाँ पे भी आमिर उन बंदों को मार सकता था, लेकिन भाई उसने हाथ नहीं उठाया उस बंदे पे, इवन कि उस बंदे ने उसके बाल वगैरह देख सकते हो कितनी बुरी तरह से उसको मार रहा है, लेकिन आमिर ने उस बंदे पे हाथ नहीं उठाया। लेकिन इस बार भाई बात मेरी थी। अगर भाई आपकी वाइफ आपकी बहन या माँ के साथ ऐसा होगा और आप कुछ अगर नहीं करोगे ना भाई, फिर मैं मानूंगी कि हाँ गलती थी हमारी, हमें भी कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई हमें ये नहीं सिखाते, हमें भी औरतों को ना प्रोटेक्ट करना सिखाते हैं। तो अब वो वाली फुटेज दिखाती हूँ जो मेन सीसीटीवी फुटेज है, जब वो बंदा मेरे पे अटैक करने आया और आमिर ने उसको पुश किया बैक। ये सबसे मेन फुटेज है भाई, इससे सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वो येलो जैकेट वाला बंदा। ये है भाई वो बंदा जिसने दारू पी रखी थी, और ये खड़ी हूँ मैं, ठीक है, ये हूँ मैं। यहाँ पे ये मेरे को गंदी गंदी गालियां दे रहा था, ये देख सकते हो, ये मैं खड़ी हूँ, ये मेरे को गंदी गंदी यहाँ पे गालियां दे रहा था। और ये देखो जैसे ये मेरी तरफ आने लगा फिर इसको आमिर ने पुश किया। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे ही ये बंदा आगे आने लगा मेरी तरफ, ये देखो ये आगे आने लगा और आमिर ने इसको पुश किया पीछे। ये देख के भाई लोग आपको क्लियर हो गया होगा कि वो बंदा मेरे पे अटैक करने के लिए आ रहा था और आमिर ने फिर उसको पुश किया। ये एक सीसीटीवी फुटेज और हमारे पास आई विटनेस भी बहुत सारे हैं भाई। सीसीटीवी फुटेज से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा भाई जो मैं बोल रही थी कि ये बंदा मेरे पर अटैक करने की कोशिश करता, फिर आमिर ने इस पर अटैक किया था। मैं आपको यही बोलूंगी कि भाई फेक रूमर्स पर एक साइड की फुटेज देख के उन पर यकीन मत करो भाई। आप सब अभी हमारे लिए प्रे करो कि हम सेफ रहे यार, हमको बहुत खतरा और बहुत थ्रेट मिल रही है। गाइज आपने क्लिप देख ही ली होगी तो पता चल गया होगा क्या सीन हुआ है वहाँ पे, तो फुल बता दिया गया है वहाँ पे। तो भाई आप खुद ही डिसाइड करो किसकी गलती है। तो भाई ऐसे अगर कोई बोलेगा हमारी माँ बहन को या यार उसकी वाइफ होने वाली है तो उसको ऐसा बोला है तो भाई अच्छा नहीं लगता, तो भाई किसी भी बंदे को गुस्सा आ ही जाएगा। तो भाई देख लो आप अपने हिसाब से। तो बाकी भाई आमिर भाई को भाई दबा के सपोर्ट प्यार करो। हमारी जम्मू कश्मीर का भाई फर्स्ट बंदा है जो इतना आगे गया भाई, 3 मिलियन व्यू सब्सक्राइबर उनके होने वाले हैं। तो भाई दबा के बंदे की सपोर्ट करो। तो भाई मेरे चैनल पे जो बंदा नया सब्सक्राइब कर दो, अगर करना है तो कर दो भाई, नहीं करना रहने दो आपकी मर्जी। तो मिलेंगे एक नए मास्टर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।